तो अगर आप हुंडई की क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, वरना आप कहीं ऐसा हो कोई पुराना मॉडल उठा के लाओ फिर आप कहो यार किसी ने बताया नहीं कि मार्केट में नया अपडेट आ गया था हुंडई क्रेटा में और मुझसे वो मॉडल मिस हो गया। तो यहाँ पे हुंडई ने क्रेटा की सेफ्टी फीचर्स को और एनहेंस करते हुए काफी फीचर्स को एज ए स्टैंडर्ड ऑफर करने वाली है बेस मॉडल से ही। एंड उसके अलावा यहाँ पे इंजन में भी काफी चेंज है आरडी नॉर्म्स को देखते हुए, बेसिकली BS6 फेज 2 नॉर्म्स को देखते हुए। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि क्रेटा में आपको पहले 1.5 लीटर का डीजल वेरिएंट मिलता था एंड 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट, बट इस 1.4 लीटर वाले टर्बो पेट्रोल वेरिएंट को यहां डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बेसिकली इस इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जैसा 1 अप्रैल से BS6 फेज 2 के नॉर्म्स एप्लीकेबल है। एंड इसी आरडी अपडेट को कंप्लाई करते हुए यहां पे जो अब नई क्रेटा आएगी उसमें एक तो आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा, दूसरा 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। एंड ये जो 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन है ये वही इंजन है जो हुंडई वर्ना में भी ऑफर करती है। उसके अलावा अब अगर बढ़े सेफ्टी फीचर्स की तरफ तो क्रेटा में अब आपको 3-पॉइंट सीट बेल्ट हो गया, उसके साथ ही जो रियर का हेडरेस्ट है अब वो एडजस्टेबल होगा, साथ ही जो रियर की सीट है अब वो भी 60-40 स्प्लिट होने वाली है। एंड साथ ही इसमें अब आपको 2-स्टेप रिक्लाइनर रियर सीट ऑफर की जा रही है। तो अगर आप गलती से टॉप एंड या फिर एक नीचे वाला मॉडल ले रहे हो, मतलब गलती क्या पैसा होगा तो ही ले रहे होगे, तो वहाँ पे एक पैनोरमिक सनरूफ के साथ, रियर विंडो ब्लाइंड्स के साथ और नाउ अब ये रिक्लाइनिंग सीट्स जो पीछे के बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनको एक काफ़ी अच्छा फील गुड फैक्टर देने वाली है। तो अब आपको ये सारे सेफ्टी फीचर्स क्रेटा में एज ए स्टैंडर्ड बेस मॉडल से ही मिल जाएंगे। तो भैया ये वीडियो देख के जाना गाड़ी बुक कराने या गाड़ी की डिलीवरी लेने, वरना बाद में कहोगे कि किसी ने बताया नहीं। मज़ा आया। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।